हेलो एवरीवन एस पे डिमांड लाजपित की एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ और इस पूरी वीडियो में मैं आपको लाजपित में जो भी एथनिक कलेक्शन इस टाइम पे प्रेजेंट है वो दिखाऊंगी ज्वेलरी जो भी लेटेस्ट ज्वेलरी है वहाँ पे जितने भी वेलवेट की सूट्स कलेक्शन है वो दिखाऊंगी वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंडी कौन से ब्लाउजेज़ अवेलेबल हैं वो सब दिखाऊंगी एंड जो भी सूट्स हैं और जो सूट वाली गली है मैक्सिमम उसको दिखाऊंगी आपको और कुछ एक फुटवेयर कलेक्शन जो भी एट प्रेजेंट वहाँ पर है वो आपको दिखाऊँगी ये लाजपत की लास्ट वीडियो होने वाली है इस साल की इस साल वहाँ पर क्या कलेक्शन है एज़ यू नो ये दिसंबर मंथ चल रहा है तो अभी वहाँ पर और कोई नई लेटेस्ट कलेक्शन नहीं है विंटर में वहाँ पर क्या क्या सामान है मैं वो आपको दिखाऊंगी और इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक ट्रिक्स या टिप्स शेयर करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम लाजपत मार्केट विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे शॉपिंग कैसे करनी है कुछ एक मिथ्स हैं वो भी क्लियर करूँगी और लाजपत में एंट्री लेने के लिए आपको गेट नंबर फाइव से निकलना है फिर आप लाजपत मार्केट पहुँच जाएंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए चलिए अब मैं आपको आगे नई कलेक्शन दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको सूट वाली गली में लेकर चलूँगी वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सूट्स की कलेक्शन आई हुई है ये जितने भी आप पार्टी पार्टीवेयर सूट्स देख रहे हैं इनका जो प्राइस है वो थ्री थाउजेंड से लेके फाइव थाउजेंड के बीच में है शरारा या गरारा वट एवर यू सेट इस तरीके की कलेक्शन वहाँ पे है एक बात मैं और क्लियर कर दूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लाजपत में सूट्स जो हैं सिर्फ सूट वाली गली में मिलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है सूट वाली गली एक छोटा सा एक कॉरिडोर जैसा है जहाँ पे आठ से दस दुकानें हैं उसके अलावा भी लाजपत में बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको ट्रेंडी सूट्स मिल जाएंगे बहुत सारी कलेक्शन रहती है सूट्स की वहाँ पर एथनिक कलेक्शन आपको लाजपत में भर भर के मिलेगी एज कम्पेयर टू सरोजनी यहाँ पे आपको एथनिक बहुत मिलेगी ये जितने भी सूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये थर्टी फाइव हंड्रेड से लेके फाइव थाउजेंड या उससे ऊपर की रेंज में है आपको यहाँ पे सस्ते सूट भी मिल जाएंगे ऐसा नहीं है कि महंगी कलेक्शन ही मिलेगी अब जितने भी ये सूट्स मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे ऐसा मैंने इस मार्केट को ऑब्जर्व किया है हर थर्ड फोर्थ शॉप पे आपको लगभग एक जैसी कलेक्शन ही मिलती है कुछ एक लाइक थोड़े से कुछ एक सूट्स अलग हो सकते हैं बाकी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है तो इन केस आपको कोई अगर आप कोई शॉप नंबर याद नहीं रख पाते हैं तो ऐसा याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं आपको भर भर के सूट्स मिल जाएंगे हर तीसरी चौथी दुकान पर लगभग सेम ही कलेक्शन लेकर आते हैं वो और जो जितने भी मैं सूट्स आपको ये दिखा रही हूँ ये जो अभी डिस्प्ले पे हैं ये हज़ार बारह की रेंज में या पंद्रह की रेंज में ये जो भी सूट डिस्प्ले पर हैं ये इस रेंज में अब मैं आपको एक सूट या दो सूट ऐसे खोल के दिखाऊँ शायद वो आपको स्क्रीन पर समझना आए बट लेटेस्ट कलेक्शन फिलहाल ये वहाँ पे अवेलेबल है इसके अलावा तो कुछ भी नया नहीं है क्योंकि लास्ट वीक में जब गई थी तो मैक्सिमम सूट मुझे वही रेपिटेशन में देखने को मिले हैं इतना भी कुछ नया नहीं है माना कि यहाँ पे एथनिक कलेक्शन बहुत होती है बट ऐसा नहीं होता है जैसे बहुत सारी मैं वीडियोस देखती हूँ कि हर हफ्ते वीडियो आ रही है या हर तीसरे दिन वीडियो आ रही है तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि वहाँ पे हर तीसरे दिन ही नई कलेक्शन आ जाती है अब एक बार मार्केट में जो सामान आया है उसको बिकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा उसके बाद ही नई कलेक्शन आएगी फिलहाल दिसंबर मंथ की कलेक्शन तो यही है ये जितने भी सूट हैं ये सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड ऐसी रेंज में रहते हैं ये मैक्सिमम वही सूट होते हैं जो लाइक आपने यहाँ वहाँ कहीं देने हैं वो वाले सूट रहते हैं बट इनकी क्वालिटी भी अच्छी है ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है बाकी जितने भी सूट्स हैं ये डिज़ाइन आपके सामने ही है और कपड़ा तो कुछ एक कपड़ा कॉटन रहता है कुछ शिफोन का लाइक बनारसी चंदेरी यही कलेक्शन मैक्सिमम मार्केट में आपको देखने को मिलेगी अब मैं आपको थोड़ी सी वेलवेट कलेक्शन दिखाती हूँ एज़ यू नो विंटर्स में बेलवेट बहुत ही अच्छा लगता है लाइक like, पहना हुआ तो बहुत ही प्रीमियम सा लुक देता है ये सूट था थर्टी फाइव हंड्रेड का और इसमें जो था इसका जो दुपट्टा था बहुत इस पर काम किया हुआ है हैवी दुपट्टा था और अच्छा बेलवेट था ये तो बेलवेट के सूट तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अब ये कुछ एक सूट है जो समर के हिसाब से है अब जैसे आपको पता है विंटर चल रही है और जो समर के सूट हैं इस टाइम पे उनका जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम है जैसे ये थाउजेंड की रेंज में सूट था और ये बहुत बहुत ज़्यादा पेटी लग रहा था देखने में तो ऐसे सूट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जब भी आप लाजपत जाते हैं तो सबसे पहले तो आप सूट वाली गली जाना उसके बाद जो बाहर के जो शॉप्स हैं उनमें विजिट करना आपको बहुत सारे सूट्स देखने को मिलेंगे आप पहले ही जाते किसी पहली शॉप पर शॉपिंग मत कर लेना पहले जो कुछ एक शॉप्स हैं वहाँ पे जहाँ एथनिक मिलता है उनको एक्सप्लोर कीजिए उसके बाद आप सूट परचेज करना और ये जो भी सूट्स हैं ये देखिए ये जो कलेक्शन है ये कोई नई कलेक्शन नहीं है ये मैं पिछले दो तीन महीने से सूट इन कलेक्शन को देख रही हूँ ये पुरानी ही कलेक्शन है कोई नया सूट वहाँ पे नहीं आया है ये शरारा सेट जो भी आप कहते हैं ये थर्टी फाइव हंड्रेड की रेंज में है और ये पुराने सूट हो चुके हैं अब लेकिन अगर आप थोड़े से महंगे कपड़े लेना चाहते हैं तो आपको वो भी लाजपत में मिल जाएंगे क्योंकि वहाँ पर शोरूम भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हैं वहाँ पर आपको और भी सुंदर कलेक्शन मिलेगी अब मैं आपको कुछ एक ब्लाउजेज़ दिखाती हूँ ब्लाउज के लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको शॉप नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैक्सिमम जो फेमस हैं सात से आठ दुकानें हैं ब्लाउजेज़ की इसके अलावा कोई शॉप नहीं है इस ब्लाउज़ का प्राइस था फिफ्टीन हंड्रेड और हर शॉप पे लगभग आपको एक जैसी कलेक्शन ही मिलेगी कुछ एक आर्टिकल अलग हो सकते हैं अदरवाइज सेम कलेक्शन रहती है प्राइस रेंज यही रहती है फाइव से लेके आप इससे ऊपर जितना महंगा लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा जो थोड़े से सिंपल वाले हैं जो नीचे जो रखे होते हैं वो आपको 500 के रेंज में मिल जाएंगे बाकी ये जितने भी हैं ये स्टोन्स वाले या जो भी ये इस तरीके के हैं ये आपको 500 से ऊपर की रेंज में मिलेंगे लाइक 1500 इस तरीके की उसमें मिलेंगे और यहाँ पे भी आपको शॉप नंबर याद रखने की जरूरत है ये वाला देखिए ये वैसे तो अभी कोई लेटेस्ट नहीं रहा पुराना ही हो गया ये फिफ्टीन का है और इस तरीके के आपको आर्टिकल हर शॉप पे मिल जाएगा अब मैं आपको कुछ और कलेक्शन दिखाती हूँ क्वेश्चन कवर दिखाती हूँ वहाँ पे क्वेश्चन कवर भी मिल रहे थे ये 16 बाई 16 के हैं और ये थ्री हंड्रेड का सेट था और बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी इनके पास मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लाजपत आ रहे तो आपको वहाँ पर सूट या ज्वलरी या फुटवेयर यही मिलेगा आपको इस तरीके का सामान भी मिल जाएगा वहाँ पर बहुत सारे ना ऐसे भैया वगैरह नीचे बैठे रहते हैं डिस्प्ले में उन्होंने ये लगा रखा होता है नीचे तो वहाँ पे इस तरीके का सामान भी मिलेगा और बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन रहती है ये छोटे साइज वाले हैं बारह बाई बारह वाले ये आपको ढाई सौ में मिल जाएंगे और बार्गेनिंग कीजिए ये आपको सस्ता भी कर देते हैं सामान मतलब ऐसा नहीं है कि लाजपत में आपको सिर्फ महंगी चीज़ें ही मिलेंगी आपको लाजपत में सस्ती चीज़ें भी मिल जाएंगी बस आप एक्सप्लोर कीजिए मार्केट को लाजपत मार्केट बड़ी है बट इतनी भी नहीं कि आप उसे कवर ना कर पाएँ मार्केट में सबसे पहले पूरी मार्केट घूमिए उसके बाद ही शॉपिंग कीजिए क्योंकि कलेक्शन लगभग सेम ही रहती है थोड़ा सा प्राइस वेरी कर सकता है अब मैं आपको ज्वेलरी की कलेक्शन दिखाती हूँ बेसिकली लाजपत में आपको ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी बट आपको अगर कुछ अच्छा लेना है और सस्ता लेना है तो मार्केट में एंटर करते ही जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से शुरू होती है मेहंदी वाली गली वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लग रखे लगे रहते हैं ज्वेलरी के लिए आप वहाँ से ज्वेलरी परचेज़ करना वहाँ पर आपको काफ़ी सस्ती ज्वेलरी मिलेगी लाइक फाइव का आपको नेक पीस मतलब जो भी आप नेकलेस वगैरह पहनते हैं वो आपको मिल जाएगा फाइव से लेके अपर फिफ्टीन हंड्रेड टू थाउजेंड तक ऐसा जाएगा ये जितने भी मैं आपको दिखा रही हूं नीचे इन सभी का प्राइस अलग अलग है मतलब फाइव हंड्रेड सेवन हंड्रेड थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड इस तरीके की रेंज में है और ये जो बड़े सेट जो भी रहते हैं ये आपको टू थाउजेंड की रेंज में मिल जाएगी अब ज्वेलरी की क्वालिटी की बात करूँ तो उसकी मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती वो आपको खुद देखनी पड़ेगी बट वहां पर ज्वेलरी में भी यही है आपको सिमिलर कलेक्शन मिलेगी मैं लास्ट पर बहुत बार जा चुकी हूँ मैं एक मंथ में दो या तीन बार जाती हूँ वहां पर मुझे ऐसा कोई नई कलेक्शन नहीं दिखती है लगभग सेम ही कलेक्शन रहती है थोड़ा बहुत कुछ एक आर्टिकल चेंज होते में बाकी तो सिमिलर कलेक्शन ही रहती है इयररिंग्स की अगर मैं बात करूं तो इयररिंग्स के आपको बहुत सारे स्टोर्स मिल जाएंगे एडी ज्वेलरी भी आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी वहाँ पे बट व्हाट आई पर्सनली फील कि सरोजनी के कंपैरिजन में लाजपत थोड़ा सा कॉस्टली तो है वहाँ पे जो आपको ये ज्वेलरी या जो भी इयररिंग्स हैं ये जितने भी हैं ये 250 इस तरीके की रेंज में थे लाइक like, टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड ऐसे ऐसे थे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ महंगे मिलेंगे आपको सौ और पचास वाले भी मिल जाएंगे वो बाहर बीच में स्टॉल लेके भैया खड़े रहते हैं वहाँ पे आपको वो भी मिल जाएंगे बट लेटेस्ट कलेक्शन तो फिलहाल यही है वहाँ पे और अगर इनकेस अगर आप ब्राइड के हिसाब से कुछ लेना चाहते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर शॉप्स भी मार्केट के बीच में बनी है जिनकी रेंज बाकी मार्केट के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है बट आपको वहाँ पे भी सुंदर कलेक्शन मिल जाएगी देखने के लिए और भी वहाँ पे लाइक बहुत कुछ आपको चीज़ें मिलेंगी और हाँ ज्वेलरी लेते टाइम बारगेनिंग ज़रूर करना क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं बट बार्गेनिंग करने पर कम कर देते हैं अब मैं आपको कुछ विंटर के आर्टिकल्स दिखाती हूँ मैंने विंटर्स का इस तरीके का स्टफ़ ज़्यादा कवर नहीं किया है एक दो स्टॉल ही किए हैं जो मुझे थोड़े से अच्छे लगे थे ऐसा नहीं है कि आपको लाजपत में सिर्फ विंटर का सामान मिलेगा आपको समर विंटर सब कुछ एक साथ मिल जाता है वहाँ पे ये इस तरीके के लाइक आई डोंट नो को पर्टिकुलर क्या कहते हैं बट ढाई सौ रुपये के थे ये और बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में तो मैंने जस्ट ये थोड़ी सी एक क्लिप ऐड की है बीच में तो थोड़ा सा मुझे ये ट्रेंडी लगा अलग लगा इसलिए मैंने इसे कवर किया था और मैं आपको फुटवेयर कलेक्शन दिखाती हूँ लाजपत में आपको फुटवेयर की बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी बट जुत्ती के लिए आपको जो लास्ट गली है लाजपत की वहाँ पे एक दो तीन फेमस शॉप है एक राम बूट हाउस है एक उसके नियर बाई है शॉप नंबर थर्टीन आई गेस वहाँ पे आपको बहुत सारी कलेक्शन मिलेगी पंजाबी जूती की ये कुछ एक जुतियाँ हैं जो डिस्प्ले पे लगी रहती हैं ये मैं वो आपको दिखा रही हूँ बाकी अंदर आप शॉप में विज़िट करेंगे आपको और भी कलेक्शन मिल जाएगी देखने के लिए ये है फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड की रेंज में और ये कुछ एक अंदर उन्होंने रखी हुई थी मतलब अगर आप थोड़ी सिंपल वाली लेना चाहते हैं तो वैसे भी आपको मिल जाएगी और बहुत सारी कलेक्शन थी वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा कलेक्शन है ना वहाँ पे जूती की अगर आप कोई पर्टिकुलर अपने सूट के हिसाब से लेना चाहते हैं या कोई कोई एक कलर चाहिए आपको तो वैसे भी आपको मिल जाएगी हर टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाली स्टोन वाली लाइक जितनी भी हैं सब मिल जाएंगे आपको फाइव हंड्रेड की रेंज स्टार्टिंग रेंज है इसके बाद और भी काफ़ी सारी लाइक थोड़ी महंगी वाली भी थी और जब भी कभी आप जाओ ना इन शॉप पर ज़रूर विजिट करना क्योंकि मुझे मैं श्योर हूँ आपको कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगी ये ब्राइडल कलेक्शन थी कुछ एक तो ऐसे भी वहाँ पर बहुत सुंदर थी और लगभग कोई आई गेस चार या पाँच दुकानें हैं अगर आप कुछ हिल्स वगैरह या वैसा कुछ लेना चाहते हैं आपको वो भी वहाँ पर मिल जाएगा जो लास्ट मैंने गली बताई मेहंदी वाली गली उसमें वो सारी फुटवेयर की बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पे वो भी आपको मिल जाएंगे लाइक शूज़ बूटीस या बैलिस जो भी आप लेना चाहते हैं वो भी इजीली मिल जाएंगी और ऐसा नहीं है कि लाजपत में सिर्फ आप स्ट्रीट शॉपिंग ही कर सकते हैं या ऐसी शॉप्स रहती है वहाँ पर आपको शोरूम भी मिल जाएंगे लाइक अगर आप थोड़ा सा कोई महंगी चीज़ लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पर और जब भी आप लाजपत जाए ना तो बार्गेनिंग ज़रूर करना मतलब ऐसा नहीं है कि लाजपत सस्ता है सरोजनी की तरह महंगा तो है बट बारगेनिंग करते रहना हो सकता है हो सकता है प्राइस थोड़ा वो कम कर दें इन सारी आर्टिकल्स के जो प्राइस हैं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ आप स्क्रीन से देख लेना और लगभग आपको फुटवेयर की वहाँ पे बहुत सारी कलेक्शन मिलेगी देखने को और बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन रहती है मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि फुटवेयर तो ज़रूर खरीदना वहाँ से अब मैं आप कुछ आपको हेयर असेसरीज दिखाती हूँ हेयर असेसरीज़ की भी बहुत ज़्यादा शॉप्स है वहाँ पर बहुत सारे ट्रेंडी क्लचर वगैरह जो भी आजकल लाइक ये बो वाले या रबर बैंड बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है वहाँ पे और इनका जो प्राइस रहता है फिफ्टी हंड्रेड इस तरीके की रेंज रहती है ये और क्लचर की तो इतनी ज़्यादा वेराइटिया है ना एक मैंने यहाँ से एक आर्टिकल लिया था सेम मैंने वैसे एच एन एम की कलेक्शन में देखा था और वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था और यहाँ पर बहुत सस्ता था तो ऐसी भी चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी लाइक ये हेयर एसेसरीज जो भी हैं ये आपको टू हंड्रेड टू फिफ्टी ऐसी रेंज में मिल जाएंगी और क्वालिटी भी इनकी ठीक ठीक ही रहती है इनकेस अगर आपको लाजपत में शॉपिंग करनी है नया सामान देखना चाहते हैं तो आप मंडे को विजिट कीजिए मंडे को कुछ एक कलेक्शन नहीं रहती है अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल